जब मैं इसके साथ 2 साल पहले जुड़ा था दिल्ली में, मुझे इसके बारे में कोई ख्याल नहीं था। हालांकि मैं जब रिटायर हो गया दूरदर्शन से, तो मैं डीडी स्पोर्ट्स से रिटायर एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डीडी स्पोर्ट्स। तो हमने एक बार जवाहर सरकार साहब जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट में इंडिजिनियस गेम्स, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में रहा था, तो इंडिजिनियस गेम्स वो गेम है, वो खेल जो हम गांव में खेलते थे, जो अपने मोहल्ले में खेलते थे। फॉर इंस्टेंस कश्मीर का एक पुराना खेल था सजलूंग, किसी को पता नहीं, आप इन बच्चों से पूछिए वो क्या होता है। तो जब गोयल साहब ने ये कहा कि हम इस तरह करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जिसके साथ जुड़ गया। और इस वक्त मैं हूँ नेशनल चेयरमैन मीडिया कमेटी जो इनकी है, पीटीएस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब फिर मैंने गूगल किया तो पता चला कि ये तो ओलंपिक से पुरानी गेम है और इसका जो मरकज़ है वो यूनान में है, ग्रीस में है, और जिस जगह में ये पैदा हुआ है डेल्फी, DELPHI। तो हमने दिल्ली से इसको किया DELHI, फर्क पी और एल का है, डेल्फी दिल्ली, डेल्फी जगह का नाम है, वहाँ ये पीथियंस गेम। तो वो वहाँ पर मार्शल आर्ट्स हुआ करता था, लेकिन ओलंपिक ने क्या किया, उन्होंने ओलंपिक वालों ने धीरे धीरे उसको अपने साथ कर लिया और बाकी छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, जितनी भी ट्रेडिशनल गेम्स वहाँ वो करती थी, जैसे कश्मीर में है ऐसा जलूंग है, आतली छुपा छुपी यानी तू चोर मैं सिपाही, तो उर्दू पर मगर ऐसा गिंदो सूरज सूरा, तो ये भी हमारे गेम बचपन में हुआ करती। आप छोटे हैं आपको पता नहीं, लेकिन हमारे बचपन ये गेम हुआ करती थी गाँवों मोहल्लों में। तो ये चीज़ें हम इसको रिवाइव करने के। अब कश्मीर की जहाँ तक बात है, यहाँ हमें पहले इस बच्चे के जहन में ये बात डालनी होगी कि ये हमारी ट्रेडिशनल गेम है, ये हमारी पुरानी गेम है, इसको खेलने में हमारा ये फ़ायदा है। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा इसमें ये होगा कि हमने इसको आर्ट, कल्चर, पोइट्री, पेंटिंग के साथ इसको कलेक्ट किया है, उसको फ्यूजन बनाया है। ये सिर्फ न सिर्फ ये पीथियन गेम्स हैं, बल्कि ये पीथियन कल्चरल गेम्स हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। आज गेम्स अकेडमिक के साथ साथ गेम की भी ज़रूरत है, एक्टिविटीज़ की है। अब कश्मीर में बदकिस्मती से जो हमारे पिछले हालात रहे, हम किसी भी जगह हमारे स्टेट में वहाँ पे नहीं जा सके, हमारे बच्चे उनको मौका भी नहीं मिला, जा भी नहीं पाए। अब जब रास्ते खुल गए, हमारे यूटी बन गया, खुल गए रास्ते, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हमें ऐसे प्लेटफार्म मिले जिनके थ्रू हम जाएँ, इसीलिए हमने ये टाई अप किया है इनके साथ, एक हमारा MOU हुआ है ताकि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर जाके और इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स या दूसरी गेमों में पार्टिसिपेट। देखिए काश जो पीथियन गेम्स का अगर आप हिस्ट्री और जो इसका जो ये कम्बिनेशन है आर्ट का, कल्चर का और स्पोर्ट्स का, इससे जब यहाँ एक्टिविटी बढ़ेगी, अभी बहुत यहाँ पे एक्टिविटीज़ की ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा कश्मीर में अभी रही नहीं है, तो यहाँ के यूथ्स को एंगेज करने की ज़रूरत है। उन युवाओं के थ्रू जब यहाँ टूरिज्म, जब आर्ट होगा, कल्चर होगा, म्यूजिक होगा, उनके बच्चों को बाहर एक्सपोजर मिलेगा, बाहर के बच्चे यहाँ आएंगे, उससे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेन के डेलीगेशंस आएंगे। पीथियन इस तरह के आर्ट में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में इस तरह के एक्सचेंज भी करेगा, कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज करेगा और बहुत सारी एजुकेशनल प्रोग्राम भी अपने इंट्रोड्यूस करेगा। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है जो आप उसमें देखेंगे। तो ये कश्मीर की जो इकानमी है, इसमें बहुत ज़बरदस्त योगदान देने वाला है। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाएगा, रोज़गार मुहैया कराएगा और युवाओं को एक नए भविष्य की तरफ देखने के लिए एक मौका देगा। सर, कश्मीर की जो पुरानी यहाँ पे खेल हैं, जैसे क्या उन्हें भी इसके जिम्मे में लाया गया? देखिए, ये जम्मू कश्मीर पीथन काउंसिल की जिम्मेवारी है कि कुछ आर्ट्स जो अभी पीक पे हैं उनको भी जिंदा रखे और जो ख़त्म होने के कागार पे हर जो ख़त्म हो चुके उनको लाए, उसको दोबारा से रिवाइव करें, और उसके लिए सरकारें भी मदद करती हैं, सबका सहयोग लेके उन सबको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है। तो सर, जो खिलाड़ी आपके साथ जुड़ेंगे, क्या वो किसी स्कूल या विद्यालय से भी आपके पास आएंगे कि अलग? हमने पहले भी आपको कहा, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं जिसमें हर एक व्यक्ति कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है या 70 साल का बूढ़ा है। उसमें आर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट हर आदमी में छुपा है, अभी वो दिखाने का मौका किसी को नहीं मिलता,
पीथियन गेम ने वो सारा मौका दिया है। कुछ ऐसे भी मौके जो कंपटीशन के तौर पे ही होंगे, कुछ होगा जो फन के तौर पे होंगे, तो हर आदमी को जिंदगी जीने का मौका है वो पीथियन गेम्स देगा। सर जो बेनिफिट्स है स्पोर्ट्स जो इस गेम्स में आएगा जीतेगा तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स भी वगैरह मिलेंगे? देखिए अभी ओलंपिक को भी इस तरह के बेनिफिट मिलने में 20-25 साल लग गए थे। हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं, दिल्ली में केंद्र सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ऑलरेडी इसको रिकमेंड करके भारत सरकार को भेज, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज चुकी है। अभी हम लोगों की एक्टिविटीज शुरू हुई हैं और समय आते साथ सब कुछ होगा। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं, आपने ऑलरेडी देखा होगा, और इनको एक प्लेटफॉर्म मिला इनके लिए बहुत बड़ी बात है, एंड मुझे इनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला कहीं पर, तो इट्स अ ग्रेट डील, लेने चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है कश्मीर को लेके, जब हम कश्मीर की बात करेंगे, एंड आर्ट का तो बिल्कुल ही कम है। स्पोर्ट्स का चलो बहुत हो रहा है बट आर्ट का बहुत कम है, तो ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है, और ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को देना जो काम कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। ये लुकमान है, ये हमारा स्टार स्टूडेंट है स्कूल का, एंड ही मेक्स अमेजिंग पोर्ट्रेट्स, ये इसने अभी क्रिएट किया है, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। आप इसके सामने 10 मिनट बैठेंगे, ये आपकी पोर्ट्रेट बना के देगा। तो लुकमान किस क्लास में पढ़ते हैं? ये आप ही ने बनाया? तो सीखा कहाँ से आपने? मैम ने सिखाया, मैं तो करता था, पहले भी करता था, लेकिन इन्होंने ज्यादा सिखाया, फिर शेडिंग आउटलाइन इन्होंने सिखाया। ये बचपन से ही करता था, बट जब से मैं स्कूल में आई हूँ तो मैंने इसका काम देखा, इसको थोड़ी फिनिशिंग की जरूरत थी, अभी भी है, बट इस एज पे ऐसा काम करना इट्स अ ग्रेट डील, तो ये हमेशा मुझे प्राउड फील कराते हैं।